बेबी होने के बाद सेक्स कब करना चाहिए, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, फोन करते रहते हैं हमें, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स लोग करते रहते हैं और काफी सारे सवाल ये टॉपिक पे रहते हैं कि बच्चा होने के बाद, मतलब डिलीवरी होने के बाद कब सेक्स करना चाहिए। यूजुअली काफी बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के लिए पत्नी जाती है उसके पेरेंट्स के तरफ, ऐसे एक रिवाज है कि पहली डिलीवरी उधर होना चाहिए, वो उधर जाती है और फिर वहाँ महीना 2 महीने 3 महीने जितना भी है वहाँ उनका पीरियड चलते रहता है रहने का, और बाद में आती है। तो फिर लोगों को लगता है कि नहीं, पहले से ऐसा एक कल्चर है कि नहीं 2 3 महीने 4 महीने तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसा एक रिवाज है लोगों में। ऐसा कोई पक्का ये नहीं है कि भाई क्या करना जरूरी है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहिए लेडीज़ ने अपने मायके या पेरेंट्स के तरफ, उसे जल्दी आना चाहिए वापस। और वैसा भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि शादी के बाद में भी बहुत दिन तक पत्नी ने अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं रहना चाहिए। अब उसमें काफ़ी कारण है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। चांसेस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा होते हैं जब पत्नी बहुत ज़्यादा दिन उसके पेरेंट्स की तरफ रहती है। विवाह बाह्य संबंध जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यदि वो डिलीवरी के लिए गई हुई है या वैसे ही महीना 2 महीने वहाँ रह रही है, और फिर इधर एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैसा बॉयज़ के लिए, मतलब पति के लिए, एक और एक बात ऐसी होती है कि भाई ये पेरेंट्स के तरफ बार बार क्यों जा रही है, क्योंकि वो बार बार उधर जाती है तो एक डाउट इसके मन में भी आता है कि भाई उधर उसके प्री मैरिटल विवाह पूर्व संबंध थे क्या, इसलिए बार बार वहाँ जा रही हो। तो ऐसे काफ़ी सारे मतलब डाउट शक पैदा करने के ये सरकमस्टेंस होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा देर डिलीवरी के लिए भी नहीं रहना चाहिए। अब समझो डिलीवरी पति के तरफ ही होती है, मतलब पति के घर में ही होती है, तो फिर सवाल ही नहीं आता। यदि डिलीवरी वो नॉर्मल होती है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो यूजली 4 से 6 हफ्ते के बाद में सेक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इंजरी हुई है डिलीवरी के समय, टाके लगे हुए हैं, तो फिर और मतलब 8 से 10 हफ्ते तक, मतलब 2 से 3 महीने तक भी आपने सेक्स नहीं करना चाहिए। यदि सिजेरियन सेक्शन करके, मतलब ऑपरेशन करके बच्चा निकाला हुआ है, तो फिर 12 से 16 हफ्ते तक सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके ऊपर मतलब स्ट्रेस आएगा, प्रेशर आएगा, जख्म भरी है नहीं भरी है, वीकनेस रहता है काफ़ी। तो दो महीने, मतलब 2 महीने मिनिमम है ये कि आफ्टर सिजेरियन सेक्शन 2 महीने मिनिमम है, मतलब 2 से 3 महीने या 12 से 16 हफ्ते तक भी, मतलब 4 महीने तक भी आपने नहीं किया तो अच्छा है। जब भी कभी आप सेक्स करते हैं तो यदि बेबी दूध पी रहा है माँ का, तो फिर उस समय ब्रेस्ट को नहीं प्रेस करना चाहिए, क्योंकि उसमें दूध निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सीधा इंटरकोर्स ही करना चाहिए, ब्रेस्ट को मैनिपुलेट करना, मसाज करना, ये सब टाल देना चाहिए। पत्नी की इच्छा है तो ही सेक्स करो, उसकी इच्छा नहीं है, अभी उसका मन नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती सेक्स करने का नहीं है। यदि कोई इन्फेक्शन है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या कोई डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो फिर कंडोम लगाकर सेक्स कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। और कभी कभी क्या होता है कि पोस्टपार्टम चेंजेस जो है, मतलब डिलीवरी के बाद में काफ़ी सारी इम्बैलेंस होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, मानसिक स्थिति जो है ना वो काफ़ी मतलब इम्बैलेंस रहती है, संतुलित नहीं रहती है, तो उसकी इच्छा नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। बहुत बीमारियां होती है मानसिक, पोस्टपार्टम साइकोसिस उसको बोलते हैं, मतलब 1000 डिलीवरीज में कम से कम 3 या 4 लेडीज को मानसिक प्रॉब्लम होता है, मानसिक समस्या निर्माण होती है डिलीवरी के बाद में। तो इसके लिए भी देखना जरूरी है कि भाई उसका संतुलन बराबर है कि नहीं, बहुत टेंशन है क्या, एंग्जाइटी है क्या, डिप्रेशन है क्या, और वो हिसाब से फिर सेक्स करना चाहिए। और कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके सेक्सोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन आपके तरफ होना चाहिए, आपने करना चाहिए और बाद में वो सेक्स करना चाहिए। हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है जिसमें हम पेशेंट्स को भर्ती करते हैं, रिलेटिव्स के साथ में भर्ती करते हैं, रिलेटिव्स के अलावा भर्ती करते हैं। वायलेंट पेशेंट है, मारपीट करने वाला, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, शराबी, ऐसे लोगों को हम भर्ती करते हैं। मंदबुद्धि के लोग, बुजुर्ग लोग जिनको डिमेंशिया हुआ है, जिनको अकेले रखने का है, घर में कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे भी लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो उनको आप हमारे तरफ भेज सकते हैं। और आप ऑनलाइन
वीडियो कॉल्स, वीडियो कंसल्टेशन हमारे से कर सकते हैं। हमारे लोगों से संपर्क करो, असिस्टेंट से मेरा टाइम आपको वो देंगे और मैं आपसे बातचीत करूंगा। डिलीवरी के बाद में स्पेशली यदि संतुलन ठीक नहीं है तो पोस्टपार्टम साइकोसिस की तरफ जा रहा है, जो 6 हफ्ते तक हो सकता है। मतलब डिलीवरी के बाद में 6 हफ्ते तक पोस्टपार्टम साइकोसिस हो सकता है, या उसको बोलते कि 6 हफ्ते तक हुआ तो फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस है, तो उसमें भी देखना चाहिए कि उसका कोई संतुलन बिगड़ रहा है क्या, ठीक नहीं है तबियत, तो तुरंत साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेना चाहिए और वो जरूरी है। सेक्स करने छोड़ो, पहले साइकियाट्रिस्ट का कंसल्टेशन होना जरूरी है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।